Now, let us start Class 10, Chapter 2, Acid, Base and Salt. आज हम स्टडी करेंगे एसिड बेस और साल्ट. HCl इज एसिड, NaOH इज अ बेस एंड NaCl इज अ साल्ट. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl और सोडियम हाइड्रोक्स NaOH जो इस तरीके का दिखता है. यू हैव लर्न द प्रीवियस क्लासेस दैट द श्योर एंड बिटर टेस्ट ऑफ द फूड आर ड्यू टू द एसिड एंड बेस. हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं जो एसिड एंड बेस है उनका टेस्ट अलग अलग होता है. एक का श्योर होता है और एक का बिटर होता है रेस्पेक्टिवली. यू हैव ऑलरेडी नो दैट एसिड आर श्योर. हमें पता है कि एसिड श्योर्स होते हैं टेस्ट में. एंड चेंज इन द कलर ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है. वेन एवर बेस इज बिटर, बेस बिटर होते हैं टेस्ट में एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर. लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है. टर्मरिक इज अनदर सच एज इंडिकेटर. टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह ही है. हैव यू नोटिस दैट द स्ट्रेन ऑफ करी ऑन द वाइट क्लोथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन द शॉप एंड विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट. हमने नोटिस किया है जैसे करी का हमारे व्हाइट क्लॉथ पर गिर जाती है और जब हम उसको शॉप लगाते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाता है. इट टर्न्स येलो अगेन. वो येलो हो जाता है अगेन जब हम उसको वॉश कर देते हैं प्लेंटी वाटर में. यू कैन ऑल्सो यूज अ सिंथेटिक इंडिका सच एज मैथिलोरेन एंड स्नैपर क्लेम भी हम लोग यूज करते हैं. ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बताया है कि किस तरीके से ये ब्लू और रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है. पीएच पेपर है लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस एसिड और बेस की. हाउ टू एसिड एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर. कैसे कैंसिल करते हैं एसिड और बेस को. इफेक्ट ऑफ द मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स. बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग. वी यूज सी अवर डेली लाइफ जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन इन द प्लांट बिलोंगिंग द डिविजन ऑफ थैलोफाइटा. इट इज अ कॉमनली यूज एज अ इंडिकेटर. लिटमस सॉल्यूशन का जो पर्पल डाई होता है वो प्लांट होता है एलएचकन का वहां से हमको मिलता है. व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिटिक और नॉट अ बेसिक. लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिटिक होता है और ना ही बेसिक होता है. इट्स कलर इज पर्पल. उसका कलर पर्पल होता है. देयर आर द मेनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स टर्मरिक कलर्ड पेटल्स और द सम फ्लावर्स सच एज द हाइड्रेंजिया पेंटोनिया जर्मेनियम विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस. ये भी प्रेजेंट बताते हैं हमें एसिड और बेस की अपने सॉल्यूशन यानी कि एज ए इंडिकेटर हम उसका यूज करते हैं. दीज आर व्हाट द कॉल द एसिड एंड बेस इंडिकेटर समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स. अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. अब हम एसिड एंड बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे. एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरीज किस तरीके से वर्क करते हैं. लेबोरेटरीज में द इंडिकेटर लेट अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिड एंड बेस बाय द चेंजेस कलर. इंडिकेटर्स यूज हमें बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है. वो कैसे करते हैं हम उस के कलर के चेंज के रिगार्डिंग पता लगाते हैं. देयर आर द सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर्स चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया. दीज आर कॉल्ड ऑस्टेरिक इंडिकेटर्स. हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल. किस तरीके से रिएक्ट करता है. रिएक्शन ऑफ द जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है. हम टेस्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस दे रहा है या नहीं दे रहा है.
Note that the metal in the above reaction displaces the hydrogen from the acetic. हम इसमें देखते हैं कि जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है. दिस इज सीन एज अ हाइड्रोजन गैस. हम देखते हैं ये हाइड्रोजन गैस है. द मेटल कंबाइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड. जब मेटल कंबाइन होता है एसिटिक पार्ट से एंड फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड सॉल्ट. जब एसिड और मेटल आपस में कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं. Thus, reaction of the metal with an acid can be summarized as. इस तरीके से summarize होती है. Acid plus metal is equal to salt plus hydrogen gas. जब दोनों combine होते हैं तो एक salt देते हैं और hydrogen gas release करते हैं. The reaction of the metal with base can be summarized as. और जब ये base के साथ reaction करते हैं, 2NaOH plus Zn, Na2 ZnO2 sodium zinc 8 plus hydrogen. You can find again the hydrogen is formed in the reaction. However, such as the reaction are not possible. How do metal carbonate and metal hydrocarbonate react with acids? यहाँ पर देखेंगे कि metal carbonate और metal hydrocarbonate किस तरीके से react करते हैं acid से. इसमें हमने carbon dioxide gas को इसके अंदर डाल रहे हैं जिससे द रिएक्शन अक्रिंग इन द अबव एक्टिविटी रिटन एज. टेस्ट ट्यूब 1 में Na2CO3 था, उसमें HCl सॉल्यूशंस, तो उससे हमारा बना 2NaCl plus H2O plus CO2. सेकेंड टेस्ट ट्यूब NaOHCO3 plus HCl, उससे हमें NaCl कंबाइन हो गया, देन H2O और CO2. ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व टू लाइम वाटर. जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में इन्वॉल्व किया जाता है तो उससे हमारा बनता है CO3. CO2 CA के साथ कंबाइन हो जाता है और वाटर H2O हो जाता है. ऑन पासिंग द एक्सेसेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस. जब CaCO3 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो CaHO3 का होल टाइज हमको मिलता है. लाइम स्टोन चॉक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म फॉर कैल्शियम कार्बोनेट. लाइम स्टोन है और चॉक और मार्बल्स, ये अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट की. ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स. जितने भी कार्बोनेट होते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ एंड टू गिव द करस्पॉन्डिंग साल्ट. और उसके करस्पॉन्डिंग साल्ट देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वाटर रिड्यूस करते हैं. दिस इज द रिएक्शन कैन बी समराइज एज. ये रिएक्शन इस तरीके से है. मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रो कार्बोनेट प्लस एसिड, तो हमको देता है साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. How do reactant bases react with each other? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, we have observed that effect of the bases is neutralized by acid and vice versa. The reaction taking place is written as NaOH और HCl. जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि एक सॉल्ट देते हैं और वाटर NaCl, ये सॉल्ट हमको मिला प्लस आपका वाटर. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू बी गिव द सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब एसिड और बेस का रिएक्शन किया जाता है सॉल्ट और वाटर हमको मिलता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस. यहाँ पर ही कंबाइन करके दिखाया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl और NaOH, हमें सॉल्ट मिला और वाटर. रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड्स. जब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इन अ जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. सिंस मेटल
like oxide react with the acid, some metal oxide acid ke sath react karta hai to give the salt and water. Hume salt and water prapt hota hai. Similarly to the reaction of the bases with the acids, metallic oxide are said to be basic oxide. Reaction of non-metallic oxide with bases. Jab react karte hain non-metal oxide bases ke sath, in a general reaction between the non-metal oxide on a basic can be written as non-metal oxide plus base is equal to salt plus water. Since this is a similar reaction between the bases and the acids, so we can conclude that non-metal oxide is non-metallic bases. Why should be guard and sure substance not to keep in brass and copper vessels? Apne देखा होगा कि कर्ड और शोयर सबस्टेंस जो होते हैं उनको हम ब्रास और कॉपर के विशल्स में नहीं रखते हैं, क्योंकि कर्ड एंड वाटर शोयर सबस्टेंस कंटेन द एसिड, क्योंकि वो एसिड को कंटेन किए होते हैं, उनके अंदर एसिड होता है. देयरफॉर व्हेन दे कीप इन द ब्रास एंड कॉपर विशल्स, अगर हम उसको ब्रास एंड कॉपर मेटल के साथ रखते हैं, द मेटल रिएक्ट विद द एसिड, तो मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाती है इन द लाइब्रेटेड हाइड्रोजन गैस जो हमारे लिए हार्मफुल होती है. Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal insulated? When an example, how will you test for the presence of this gas? आप कैसे इस गैस को प्रेजेंस को देखेंगे? Hydrogen gas are usually liberated when an acid reacts with a metal. हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से. टेक द फ्यू पीसेस ऑफ जिंक, हम कुछ जिंक्स के पीसेस ले लेते हैं और ऐड कर देते हैं 5 ml डाइल्यूट H2S4. शेक, जब उसको शेक करते हैं एंड पास द गैस प्रोड्यूस इनटू द शॉप सॉल्यूशन, द बबल्स ऑफ द शॉप ऑफ द सॉल्यूशन आर फॉर्मड. सो दीस शॉप बबल्स कंटेन द हाइड्रोजन गैस. तो शॉक बबल्स में बबल्स आने लगते हैं और ये बबल्स कंटेन करते हैं हाइड्रोजन गैस. तो वी कैन टेस्ट टू इन्वॉल्व द हाइड्रोजन गैस बाय इट्स बर्निंग विद अ सॉप साउंड व्हेन ए कैंडल इज ब्रॉट नियर द शॉप्स बबल्स. मेटल कंपाउंड रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस irritable the gas involved existence. A burning candle, write a balanced chemical equation for the reaction in one of the compound forming the calcium chloride CaCO3 plus 2HCl. कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो हमको मिलता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. आपस में रिएक्ट करते हैं H2O और बाकी हमारे पास बचता है CO2. यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन? क्या होता है कि जितने भी एसिड्स और बेस होते हैं वो कॉमन होते हैं. Glowing the bulb indicate there is a flow of electricity currents. The solution. इसके अंदर electric current भी है. The electric current is carried through the solution by ions. इसके अंदर हमें ions भी मिलते हैं. Adds a solution in water के साथ. जब हमने देखा तो हमने देखा इसमें electricity pass हो रही है. इससे electricity हमको मिलता है. Since the cation present in acid. उससे हमें ये पता चला कि cations में acid H+ ion present होता है. जिसे सजेस्टेड दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस और एसिड हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है. H+ आयन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज. H+ सॉल्यूशन ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज की वजह से. व्हाट हैपन टू द एसिड एंड बेस इन द वाटर सॉल्यूशन? क्या होता है जब हम एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं? This is experiment suggested that hydrogen ion is HCl are produced in the presence of the water.
So separately of H plus ion from HCl molecule cannot be occur in absence of water. इस एक्सपेरिमेंट में सजेस्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आयन ऑफ HCl आर प्रोड्यूस्ड किसके प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, और H प्लस आयन जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम HCl से मॉलिक्यूल से और उसमें अब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की अब्सेंस में HCl प्लस H HCO plus Cl, hydrogen ion cannot be exist along. Hydrogen ion कभी भी अकेले नहीं होते, but they exist after combining with water molecule. वो हमेशा water molecule के साथ combine रहते हैं. Thus, hydrogen ion must be always be shown as H plus ion. Hydrogen ion को हम H plus ion से represent करते हैं, hydrochloric ion को HCO positive से represent करते हैं, यानी कि hydrogen जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HCO आयन बनाता है. When we seen that acid gives HCO plus and H plus ion in the water. Let us see what happen when the base is dissolved in water. NaOH को जब हमने वाटर की प्रेजेंस में रखा तो वो डिजोल्व हो गया Na plus OH minus ion. और KOH को जब हमने प्रेजेंस रखा वाटर का तो वो डिजोल्व हो गया K प्लस OH माइनस में. इसी तरीके से MgOH सॉलिड था, उसको वाटर का प्रेजेंस में रखा तो MgO2 और 2OH में ये डिजोल्व हो गया. तो बेसिस जनरेट हाइड्रोक्लोरिक OH आयन्स इन द वाटर. बेसिकली हमें ये पता लगा कि हाइड्रो ये हमें OH आयन देता है वाटर के साथ, बेस जो होता है वो OH आयन देता है हमको. बेसिस विच आर सोलेबल इन द वाटर इज कॉल्ड एल्काइन्स. जो इसमें सोलेबल होता है उनको एल्काइन्स कहते हैं. ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर. जितने भी बेसिस होते हैं वो सभी वाटर में डिजोल्व नहीं होते. एन एल्काइल इज द बेस दैट डिजोल्व इन द वाटर. ओनली एल्काइल्स बेसिक बेस होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ. दे आर द शॉपी टू टच. शॉपी होते हैं टच करने में, बिटर होते हैं और कर्सिव होते हैं. नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म. विच इज द बेसिक इन द टेबल 2.1 आर एल्काइल्स. नाउ एज वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द एसिड जनरेट H प्लस. अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सभी एसिड्स जनरेट करते हैं H प्लस एंड ऑल बेसिस जनरेट OH और ऑल बेसिस जो जनरेट करते हैं वो OH. तो वी कैन व्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज. जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट ऑफ वाटर मिलता है H X OH, तो ये MX हमको मिलता है और H OH हमको मिलता है और H प्लस जब OH से रिएक्ट करता है तो वाटर सॉल्यूशन मिलता है. The process of dissolving the acid and base in water is highly exothermic ones. जब ये dissolve होते हैं acid और base water में highly exothermic होते हैं. Care must be taken the while mixing consideration nitric acid and sulfuric acid with water. The acid must be always be added slowly in the water with contain the straining. जब हम acid को water के में add करते हैं slowly तो वो strain करता है. If water is added to considering acid, the heat generate may be cause of the mixture spelled out and cause for. ये हमको बता रहा है कि हम एसिड में अगर वाटर को डिजोल्व करते हैं तो स्ट्रेनिंग होती है धीरे धीरे से, और कभी भी हमें वाटर को एडेड नहीं करना चाहिए एसिड्स के साथ. अगर हम ऐसा करेंगे तो वो बहुत तेजी से स्पॉल्ड होता है और हम लोगों का जलने का खतरा बहुत अधिक हो जाता है. तो कभी भी वाटर को डिजोल्व नहीं करना चाहिए एसिड में, एसिड में वाटर को डिसॉल्व करना चाहिए. द ग्लासेस कंटेनर मे बी ऑल्सो ब्रॉक. अगर ग्लास के अंदर एसिड है और आप उसमें वाटर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो ब्रेक हो जाता है और बहुत हायर वे में हीट करता है. लुक आउट द वार्मिंग साइन ऑन कैन बी कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बोतल सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉटल्स. मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इज डिक्रीज द कंसिडरेशन ऑफ आयन unit volume. Such the process is called dilute to be added
and base is 2, we dilute. Questions. Why do HCl, HNO3, etc. show acidic characteristics in aqueous solution, while solution of compound like alcohol and glucose do not show the acidic character? The dilution of HCl or HNO3 to the form of hydrogen ion always occur in the presence of the water. जब HCl जो है वो H plus और Cl hydrogen ion और combine with H2O to form of hydrogen gas H3O. जब H plus ion को हम water के साथ combine करते हैं तो हमें H3O ion देता है. Although aqueous solution of the glucose and alcohol contain the hydrogen, these cannot be dissolved in water. Why does the aqueous solution on the acid conduct electricity? Acid कैसे conduct करते हैं electricity? Acid discarded the aqueous solution to form ions. These ions are responsible for the electricity. जब acid को aqueous solution में हम करते हैं तो हमें ions मिलते हैं और ion responsible होते हैं electricity के लिए. Why does the dry HCl gas not change in the color of the dry litmus paper? क्यों dry HCl अपने चेंज को कलर चेंज नहीं करता dry litmus paper पर? Color of litmus paper is changed by the hydrogen ion. जो litmus paper का कलर है वो चेंज होता है hydrogen ion से. Dry HCl gas does not contain H plus ion. पर ड्राई HCl गैस H plus ion को कंटेन नहीं करता, नहीं रखता. इट इज ओनली द aqueous सॉल्यूशन दैट कैन एसिड dislocates टू गिव आयंस. सिंस इन दिस केसेस neither HCl इन द aqueous सॉल्यूशन फॉर्म नॉर द litmus पेपर इज वीक, therefore द कलर ऑफ litmus पेपर does not चेंज. इसी कारण वो litmus पेपर कलर को चेंज नहीं करता. व्हाइल डाइल्यूट एन एसिड विद कंपाइज दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड डू नॉट वाटर टू द एसिड्स. सिंस द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग इन एसिड in water is called exothermal. It is always recommended that acid should be added into the water. See, pata lagta hai ki hum acid ko water ke sath dissolve kar sakte hain, yani ki acid mein water dala. It is done is either then it is possible that because of large amount of heat generate the mix spoiled out and burn. Hum kabhi bhi acid mein water ko nahi dalte hain kyunki hame pata hai कि अगर हम एसिड में वाटर को डालते हैं तो बहुत तेजी से जनरेट होता है वॉर्म और मिक्सचर स्पेल्ड आउट हो जाता है, हम लोग को जलने का खतरा रहता है. इसलिए हमेशा वाटर में एसिड्स को आप मिक्स कर सकते हैं, एसिड में वाटर को कभी मिक्स नहीं करते. हाउ इट कंसिडरेशन बाय हाइड्रोनियम आयन H3O इफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड is dilute. When acid is dilute, the concentration of hydronium ion H3O ion per unit volume decrease hota hai. This means that strength of the how strong are the acid on base solution? How many cases strong are acid or the base solution? We can quantity find the amount of H plus ion or OH ion present in the solution. हम ये चीज identify करते हैं कि हमारे solution में H plus ion कितना है और OH ion कितना है. We can also judges how strong. तब हम judge करते हैं कि कौन सा strong है given acid और base by making use to the universal indicators. ये सब चीज़ें हम universal indicators के द्वारा represent करते हैं, which is a mixture of the several indicators
the universal indicator show different color and different concentration of hydrogen ion in a solution. यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमको H+ और OH आयन का बताता है. स्केल ऑफ द मेजरिंग हाइड्रोजन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल. इसके लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं. हैव बीन डेवलप किया गया. द पीएच पी इज पीएच स्टैंड फॉर पॉट्स इन जर्मन मीनिंग पावर. ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 टू 14. pH should be thought of simply as a number which indicate the acidic and basic nature of the solution. pH scale से हम represent करते हैं कि हमारा जो solution है वो basic है या acidic है. Higher of the hydrogen ions concentration, lower in the pH value. Higher hydronium ion का concentration और lower in the pH values का lower है. The pH of the neutral solution is 7. Neutral solution का जो pH value है वो 7 होता है. Value less of the 7 of the pH scale. अगर 7 से less है value, solution is called acidic solution. As pH values increase in 7, to represent in the OH ion concentration and basic solution. ये digesting system है, इसमें HCl represent होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. ये पीएच स्केल आपको दिया गया है. अगर 7 से इंक्रीज है तो वो बेस होता है और 7 से डिक्रीज है तो एसिटिक सॉल्यूशंस होता है और अगर 7 वैल्यू है तो न्यूट्रल होता है. पीएच रेंज इन अ कॉमन सब्सटेंस. ये कुछ कॉमन सब्सटेंस आपको दे रखे हैं जैसे गैस्ट्रिक कंस्टेंट, इसका जो पीएच रेंज होता है 1.6 टू 3 होता है. सॉफ्ट ड्रिंक्स का 2 से 4 होता है. लेमन्स का 2.2 से 2.4 होता है. विनेगर का 2.4 से 3.4 होता है. इस तरीके से ये जो आपका ये दिया हुआ है आप इसे लर्न कर सकते हैं. हाउसहोल्ड क्लीनर्स ये हैं. The strength of acid and base depend on the number of H+ ion or OH produced respectively. Strength acid or base ka depend karta hai ki usme kitna H+ ion hai aur kitna OH ion hai produce kar raha hai. If we take hydrochloric acid and acetic acid on the same concentration, agar hum hydrochloric acid aur acetic acid ko same concentration mein lete hain, say once molar, then these produce a different amount of hydrogen ion. अलग तरह का डिफरेंट अमाउंट हाइड्रोजन आयन्स का देते हैं. एसिटिक डेट गिव राइज अ मोर एच प्लस आयन. अगर वो एसिटिक है तो एच प्लस आयन देगा मोर. इज सेट टू बी द स्ट्रॉन्ग एसिड. हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे. एसिड डेट गिव्स द लेस एच प्लस आयन. अगर लेस प्लस एच आयन देता है तो हम उसको कहते हैं वीक एसिड. इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी लाइफ. एवरी डे लाइफ इम्पोर्टेंस क्या होती है पीएच की हमारी लाइफ में. Our plant and animal is pH sensitive. Our body work within pH range of 7 to 7.8. हमारी body work करती है जब हमारी body में pH range 7 to 7.8 तक होती है. Living organism can survive only a narrow range of pH change. When pH of rainwater is less, 5.6 is called the acidic rain. अगर pH rain 5.6 से कम है तो हम उसको acidic rain कहते हैं. When acid rain flow into the river, it lower ये acid rain को represent किया हुआ है. इसीलिए अगर acid rain होता है तो हमको इतना नुकसान होता है. सड़क damage हो जाता है. trees जो है उसका leaves damage हो जाता है. जो बिल्डिंग्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं. जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एसिड रेन का. पीएच इज आवर डाइजेस्ट सिस्टम. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमस प्रोड्यूस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. इट हेल्प टू डाइजेशन ऑफ द फूड. ये हेल्प करता है डाइजेशन फूड के डाइजेशन में विदाउट हार्मिंग टू स्टोमक. ये हार्मफुल नहीं होता है स्टोमक के लिए.
ड्यूरिंग इंडिकेशन ऑफ द स्टोमस प्रोड्यूस टू मच एसिड, अगर टू बहुत ज्यादा एसिड हमारे पेट में हो रहा है एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिग्रेशन, उसे पेन भी हो रहा है, टू गेट द रिड ऑफ द पेन पीपल यूज बेसिस इज कॉल्ड एंटासिड्स। अगर हम पेन हो रहा है हमारे में तो उसके लिए हम बेस लेते हैं जिसको हम एंटासिड्स कहते हैं। वन सच एज रेमेडली मस्ट हैव सजेस्टेड टू यू एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। एसिड्स पीएच चेंज टू द टूथ डिके, अगर पीएच वैल्यू में चेंज आ रहा है तो हमारे दांत भी गिर जाते हैं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारा बॉडी में पीएच वैल्यू 5.5 से लोअर हो रहा है तो टूथ एनेमल मेड अप द कैल्शियम फास्फोरस इज द हार्डेस्ट, तो बहुत कम मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस हमारा बन पाता है। सब्सटेंस इन द बॉडी इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इज द कॉडेड व्हेन द पीएच इज द माउथ इज लो 5.5 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिहाइड्रेशन ऑफ द शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज अ क्लीन ऑफ द माउथ आफ्टर द ईटिंग। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। हैव यू एवर बीन स्टडी बाय द हनी बी, हनी बी स्टिंग लीव्स इन द एसिटिक विच कॉज ऑफ द पेन एंड इनिग्रेशन। आपने देखा होगा जब हनी बी हमको काट लेती है तो हमें बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि जो एसिड्स होता है वो हमारी बॉडी के अंदर पेन कर देता है। यूज ऑफ द माइल्ड बेसिस लाइक बेकिंग सोडा एंड स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ, जब उस पर कोई बेकिंग सोडा लगाते हैं तो वो जो पेन होता है वो कम होने लगता है स्ट्रेंग एयर, क्योंकि वो एसिडिक होता है और बेस लगाने से उसमें हमें रिलीफ मिलता है।